मतदान अवश्य करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। मायावती में जारी रहेगा 48 घंटे तक का प्रचार पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। चुनाव आयोग ने भाषण पर लगाया बैन, बजरंग बली के दर्शन करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए लखनऊ में रोड शो के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दाखिल किया नामांकन। घायल शशि थरूर को हॉस्पिटल में देखने पहुंची निर्मला सीतारमन, कांग्रेस सांसद ने कहा भारतीय राजनीति में शिष्टाचार दुर्लभ गुण। रेलवे उड़ा रहा आचार संहिता की धज्जियां, टिकट पर पीएम मोदी की तस्वीर छापने पर कार्रवाई, रेलवे ने 4 अफसरों को किया सस्पेंड। केंद्रीय पेरिस में नोट्रेडेम कैथेड्रल के मुख्य हिस्से में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। चीन ने बनाया दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन, ड्रोन मानव रहित है और इसे सीधे सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान को पैकेज देने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रखी शर्त, पैसे का इस्तेमाल चीन को कर्ज चुकाने में नहीं करेगा। खालिस्तान समर्थक गुट का दावा, पाक ने मोदी सरकार के कहने पर रेफरेंडम 2020 अभियान बैन किया। आतंकी हमलों से परेशान है पाकिस्तान का हजारा समुदाय, इमरान खान से मांग रहा सुरक्षा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सार प्रदेश।